रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की, लो में पलने वाली रानी हो गुस्ता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आज मैं एक बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, ये है फिटकरी। तो हम अपने गार्डन में फिटकरी का उपयोग कैसे करें, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कैसे करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, कृषि में, एग्रीकल्चर में फिटकरी का बहुत महत्व है और वैसे भी हम लोग के आए दिन की ज़िंदगी में भी फिटकरी बहुत काम की चीज़ होती है। सबसे पहले तो पानी को प्योरीफाई करने का ये बहुत अच्छा काम देती है। बाल्टी में जैसे पानी भरा और उसमें ऊपर से थोड़ा सा हमने इस तरह से कर दिया पानी में, दो तीन मिनट भी नहीं, आप एक सेकंड भी ऐसे करेंगे तो पानी की जो गंदगी है नीचे बढ़ जाती है और साफ़ पानी हम ऊपर से ले सकते हैं। अगर हमारा एक्वा गार्ड काम नहीं कर रहा तो हम इस तरह से भी पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ में अगर हमारे को छाले हैं मुंह में या मसूड़े फूल रहे हैं तो फिटकरी का कुल्ला भी हम लोग करते हैं। ये सब देसी इलाज हैं। तो हमारे घरों में फिटकरी का काफ़ी यूज़ होता है इंडियन फैमिलीज़ में और इसी तरह से गार्डनिंग में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। तो इसका ये एक तो किराना स्टोर में बहुत आसानी से और कम पैसे में मिल जाती है, तो इसकी उपलब्धता बहुत ही सरल है दोस्तों। तो बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें इसका इस्तेमाल महीने में एक बार ही करना होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका काम जो होता है मिट्टी के पीएच को कम करना होता है, पीएच वैल्यू को ये कम करता है। और आदर्श पीएच लेवल जो होता है मिट्टी का वो 6 से 7.2 होता है, और अगर इसके ऊपर अगर हमें मिट्टी का पीएच लेवल चला जाता है तो वो क्या करता है कि अगर हम जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी हम फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तो वो गमलों में पड़े रहते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं वो ड्यू टू पीएच लेवल के कारण, क्योंकि पीएच लेवल ज़्यादा होता है। तो तब हम जो है फिटकरी का यूज़ करके जो है मिट्टी के पीएच लेवल को कम कर लेते हैं और जिससे कि हमारे जो पौधों में जो है अच्छे फुटाव आते हैं और फलों का साइज़, फूलों का साइज़, सब्जियों का साइज़ बड़ा हो जाता है, पौधों में हरियाली आ जाती है, यानी कि पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने लगती है क्योंकि उसको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। उसके अलावा जो है मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को एक्टिवेट कर देता है, पोटाश है, मैग्नीशियम है, NPK है, इन सब को जो है पीएच लेवल मेंटेन करने के बाद, बैलेंस करने के बाद जो है हमारे पौधों में बहुत ही अच्छा फुटाव होने लगते हैं। तो एक तो इसका यूज़ से ये फ़ायदा हमारा मेन होता है और दूसरा जो हमें फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि जैसे कीटनाशक का भी, एंटी फंगल का भी ये काम करता है, कीटनाशक का भी ये अच्छा काम करता है। तो जैसे रस चूसक मक्खियाँ होती हैं, मिलीबग्स हैं, एफिड्स हैं, और इसके अलावा माहो हैं, किसी तरह के भी जो हमारे शत्रु कीट होते हैं ना दोस्तों, तो उसको भी ये बहुत ही जल्दी भगा देता है। और जैसे पत्तियों में हम इसका स्प्रे करते हैं या हम इसको पत्तियों में अगर हम स्प्रे करते हैं और उस पत्ती को अगर ये कीड़ा खा लेते हैं जो शत्रु कीट होते हैं तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ये इतना कारगर होता है। तो जो है हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे अब ये पानी मैंने रखा हुआ है तो इस पर हमने इसको घोल दिया, ऐसे करके घोल दिया हमने इसको, इस तरह से डाल दिया, एक मिनट भी अगर हम डाल दिया तो इसमें इसका अंश चला आता है।
उसके बाद हमने जो इस तरह से चला के पानी को अच्छे से, उसके बाद हम इसको अपने मिट्टी में डाल सकते हैं, पॉट्स में डाल सकते हैं, जैसे ये है। ये देखिए पुदीना मैंने अभी हाल ही में लगाया था 20-25 दिन पहले, और ये देखिए सब कटिंग से लगे हुए हैं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर इसको पीस के रखा था, तो ये कुछ मैंने इस बॉटल में डाला है। तो पीसने के बाद हम इसको चम्मच से सूखा भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ये आप मेरे हाथ में देखा है। तो हम इसको आधा चम्मच लेके हम किसी भी पॉट में इस तरह से इसको डाल सकते हैं। साथ में हमने जैसे इसमें भी इसमें घोल रखा है, तो हम इसको जो है पत्तों में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मिली बग्स वगैरह जो है, ये देखिए हमारे मिली बग्स वगैरह इसमें नहीं लगेंगे। जैसे टमाटर में तो बहुत मिली बग्स लग रहे हैं, तो इस तरह से हमारा पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो हमें बस ध्यान हमें ये रखना है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल हमें बहुत कम करना है, यानी महीने में 1.5 महीने में एक ही बार करना है, क्योंकि मिट्टी के पीएच को कम करता जाता है, तो इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो बस यही जानकारी है, एंटी फंगल है, पत्तों में भी स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में सूखा भी डाल सकते हैं, और पानी में घोल के भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शत्रु कीटों को ये पनपने नहीं देता है, और महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों बस आज की यही जानकारी है, और चलिए साथ में फिर हम कुछ हार्वेस्टिंग भी आज कर लेते हैं। ये टमाटर काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि अब साथ ही मैं तोड़ लूँगी। टोटल ऑर्गेनिक लाल लाल टमाटर आप ये देख रहे हैं। तो बस मैं, और चूँकि ये फिटकरी एकदम ऑर्गेनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बार बार डालें, इसका बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हम वैसे कम ज़्यादा हो जाती हैं तो नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन इसको अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही की और हम बार बार इसको देने लग गए कीटनाशक के रूप में, तो पौधों को ये नुकसान भी कर देगा। तो बस दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं अपने समस्त व्यूअर्स का भी थैंक यू करती हूँ जो मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, व्यूअर्स का भी और अपने सारे सब्सक्राइबर का भी मैं दिल से आभार करती हूँ, जो मेरे मनोबल को इस तरह से बढ़ा रहे हैं और कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि उनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, इसलिए तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।